सर्वज नमस्कार। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 12.2, जिसमें मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था। अगर फिर भी आप लोग नहीं कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो बच्चे कि आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता है क्या। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है अपने पास, वो समझिए। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा तो मुझको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, SP माइनस CP। अगर CP छोटा बड़ा हो और SP छोटा हो तो क्या हो, लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, CP माइनस SP। कभी कभी क्वेश्चन से भी क्या होगा बच्चे, कि आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताएं। क्या बताएं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताएं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100%, लॉस बाई CP इंटू 100। हमेशा याद रखना कि नीचे में CP होगा। तो CP देखो, CP रुपी 955, प्रॉफिट कितना 155.9। आपसे SP पूछ रहा है, तो SP प्रॉफिट और CP के लिए फॉर्मूला था मेरे पास क्या, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। मैंने लिखा प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP पूछ रहा है बच्चे, तो SP यहाँ ही रहेगा और CP इस तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा, SP इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। तो 155 प्लस 90 प्लस 955 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, रुपी 1110.90। उसी प्रकार CP 2005 का प्रॉफिट 145, SP पूछ रहा है, तो SP बराबर अब जस्ट लिखाया था क्या होगा, प्रॉफिट प्लस CP, तो क्या होगा, प्रॉफिट प्लस CP। 145 प्लस 205 जोड़ने पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2150। उसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, SP दिया हुआ है, CP निकालना है, लॉस दिया हुआ है। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था लॉस SP और CP के लिए, क्या लिखाया था फॉर्मूला, लॉस इक्वल टू क्या, CP माइनस SP। तो क्या होगा, लॉस बराबर CP माइनस SP। तो SP निकालना है बच्चा, तो यहाँ क्या होगा, SP इस तरफ आएगा, CP माइनस क्या हो जाएगा, लॉस। CP माइनस क्या होगा, लॉस। तो CP कितने का, 780.24, लॉस कितने का, 19.75। अगर घटाएंगे, घटाने पर कितना आएगा, 760.49। क्या होगा, 760.49। डी इज कटू, देखिए डी में CP कितने हैं, 215 का, लॉस कितने का है, 39.50। SP निकालना है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आप निकाले थे, CP माइनस लॉस, तो 215 माइनस 39.50 घटाने पर कितना आएगा, 175.50। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको आप नोट कर लोगे और बना लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो समझते हैं। हमसे पास पूछा गया प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको निकालना है। CP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, SP बड़ा है, इसलिए SP ग्रेटर देन CP। तो SP अगर बड़ा रहेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, SP माइनस CP। 630 माइनस 600 कितना होगा, 30। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 30/600 इंटू 100। 100 से 100 का जीरो डब्ल्यू से डब्ल्यू काटेंगे, 6 से काटेंगे, 30 कितना हमारे 5 बार में, आंसर कितना होगा, 5%। उसी का बीट देखिए, SP दिया हुआ है, CP SP दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं CP बड़ा है, SP छोटा है, क्या होगा, लॉस होगा। तो CP माइनस SP घटाने पर कितना आ गया, 444। तो लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बाई CP इंटू 100। तो 444 बाई क्या होगा, 2220। जीरो से जीरो कटेगा, 22 से 444 दो टाइम में कटेगा, 2×10 कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए CP कितने का, 740 का, SP 629 का। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी लॉस है, तो लॉस क्या होगा, CP माइनस SP घटाने पर कितना होगा, 111। अब देखिए, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, लॉस बाई CP इंटू 100। तो लॉस कितने, 111 का, 740 इंटू 100, जीरो से जीरो कटिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 1110/74। देखो ये 74 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1110। इसका मतलब ये 74/1110 को 15 टाइम्स में ये काटेगा। अब आते हैं क्या है मेरे पास, CP 9850 का, SP 3926 का।
देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट होगा यहाँ पे 326 - 950 घटाने पर कितना आ गया 76। तो प्रॉफिट 76 का क्या होगा 76 - 950 into 100। जीरो से जीरो कटेगा 19 5 - 95 19 4 - 76। 5 से काटेंगे 10 को 2 टाइम्स करेगा तो 4 टू कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आप क्या करोगे बना लोगे। ओके स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को सर्वोदय नमस्कार।